मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे, और अभी जो एक बार आ गया था सरकार की तरफ से, एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तब उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ, सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए, तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए, हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 13 तारीख 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया, इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। 21 का जिसमें स्पष्ट कह दिया है जाति जनगणना नहीं होगी, राजमंत्री के हवाले से आया है, उसी के आधार पर हम लोग आप यहाँ मिले जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए अभी अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। नीतीश जी, राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली, अफसर के खास तौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी।